हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक जबरदस्त और अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा। इस जड़ी बूटी का नाम है काकोदुम्बर। पहली नज़र में इस वृक्ष को देखने पर बिल्कुल गुलर के समान लगता है, लेकिन ये गुलर नहीं है। इसके पत्र गुलर के पत्तों से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। इसकी किसी भी शाखा को तोड़ने पर गुलर और अंजीर के समान ही दूध निकलता है। इस पर जो फल लगते हैं, ये भी झुमकों में गुलर के समान ही लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, इस वृक्ष का संस्कृत नाम काठोंदुबरी का, काकोंदुबरी का, मलयू, मूलकरकरी और शिवत्र भेजस्य है। हिंदी में कठगुलरिया, कठुमर, कठगुलर और कोनिया दुम्बर से पहचानते हैं। कहीं कहीं इसे दादुरी भी कहा जाता है। असमिया भाषा में इसे कोसका दुमर कहा जाता है। गुजराती में इसे जंगली अंजीर कहते हैं। तमिल में पयट्टी और सोनाट्टी से जानते हैं, जबकि नेपाली में खसेड़ो कहते हैं। इस वृक्ष का अंग्रेजी नाम वाइल्ड फिग और वैज्ञानिक नाम फाइकस हिस्पीडा है। दोस्तों, कठुमर का वृक्ष लगभग सारे भारतवर्ष में नदियों के किनारों पर पर्णपाती सदा हरित वनों में पाया जाता है। इस वृक्ष की विशेषता है कि ये जब पुराना हो जाता है तब इसकी छाल गांठदार हो जाती है। दोस्तों, ये वृक्ष अति शीघ्र बढ़ जाता है। 2 से 3 सालों में ही इस पर फल लगने शुरू हो जाते हैं। इसके पत्र बिल्कुल गुलर के पत्रों के समान दिखाई देता है, लेकिन गुलर के पत्रों से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। ये 10 से 30 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। दोस्तों, कठुम्बर की भी कई प्रजातियां पाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस वृक्ष के गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में थोड़ा तीखा, कसेला, कटु, शीतल प्रकृति का, पचने में हल्का और रुक्ष होता है। ये कफ पित्त शामक, ग्राही, स्तन्यवर्धक और स्तंभक होता है। इसका फल कसेला, मधुर, शीतल प्रकृति का, पचने में भारी और धातु को बढ़ाता है। इसके पत्र श्वास और खांसी को मिटाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि औषध कार्य में इस जड़ी बूटी का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हो, गंजापन आ गया हो, तो ऐसे में ये वृक्ष आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसके लिए कठुम्बर के कच्चे फलों को लाकर सिरके के साथ मिलाकर उसमें थोड़ा नमक मिलाए, फिर इसका लेप सिर में लगाए, फिर लगभग 2 घंटे के बाद साफ पानी से धो ले। ये प्रयोग लगातार 15 से 20 दिनों तक करते रहे। इस प्रयोग को लगातार करने से बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है और नए बाल आने लगते हैं। दोस्तों, ये खांसी और श्वास में भी बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, इसके कोमल और ताजे पत्तों को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर पीस लीजिए, फिर इसमें गाय का शुद्ध 200 मिली की मात्रा में दूध मिलाए, फिर पकाकर उसमें 500 मिलीग्राम पिपली का चूर्ण मिलाए और पी जाए। दोस्तों, इस प्रयोग को कुछ दिनों तक करने से सांस फूलने की बीमारी दूर होती है और खांसी शीघ्र मिट जाती है। दोस्तों, इसके फलों को तोड़ने पर दूध निकलता है। इस दूध को 1 से 2 बूंद की मात्रा में बतासे में डालकर खाने से अतिसार यानी दस्त बंद हो जाता है। दोस्तों, जो लोग अर्श और बवासीर में मस्से से पीड़ित है, ऐसे लोगों को इसके कोमल पत्तों को पीसकर अर्श के मस्सों पर लगाना चाहिए। इससे मस्से शीघ्र ही बैठ जाते हैं। इसके अलावा इस वृक्ष के 1 से 3 ग्राम की मात्रा में मूल के चूर्ण को शहद तथा घी के साथ मिलाकर चाटने से बवासीर में खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, ये यकृत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसके फलों का रस निकालकर 5 मिली की मात्रा में रोजाना सेवन करने से यकृत संबंधित सारी बीमारियां दूर हो जाती है और यकृत मजबूत बनता है। यही नहीं दोस्तों, ये कामला को भी मिटाता है। इसके लिए इस वृक्ष के मूल का क्वाथ बनाएं और 10 से 15 मिली की मात्रा में कुछ दिनों तक लगातार पिलाएं। इससे पांडु और कामला रोग नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये स्त्रियों के लिए भी अति फायदेमंद होता है। इसके 2 से 4 ग्राम फलों के चूर्ण के साथ शहद और शर्करा मिलाकर पीने से प्रदर रोग नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद होता है।
इसके फल या इसकी किसी भी शाखा को तोड़ने पर जो दूध निकलता है, इसको प्रभावित स्थान पर लगाने से दाद, खुजली, अर्श, सूजन और कंडू जैसी बीमारियां मिटती है और इसका लेप करने से सिर का दर्द भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।